नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एकेबी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम सुपरस्टार जॉन इब्राहिम की फिल्म बाटला हाउस के बजट, बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन और एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। और आपको बताएंगे दोस्तों, फिल्म ने एडवांस बुकिंग में कितने करोड़ का कारोबार कर लिया और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए कितनी कमाई करनी होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, बाटला हाउस मूवी, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने और फिल्म के प्रोड्यूसर है हुसन कुमार और जॉन इब्राहिम। अगर बात करें दोस्तों फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर की, तो फिल्म में म्यूजिक दिया है अंकित तिवारी ने। वही फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है जॉन इब्राहिम, मृणाल ठाकुर, रवि किशन और उनके साथ में है प्रकाश राज। दोस्तों, फिल्म का ट्रेलर काफ़ी धांसू था और ट्रेलर ने ही फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा बस क्रिएट कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का ट्रेलर बिल्कुल क्लासी और मासी, और ट्रेलर देख के ही लग रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा तूफान ला सकती है। लेकिन दोस्तों, फिल्म को कहीं ना कहीं एक बड़ा कंपटीशन मिल रहा है अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल की तरफ से, क्योंकि दोस्तों एक ही दिन दोनों फिल्में रिलीज हो रही है और अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल को ज्यादा स्क्रीन मिल रही है, जबकि बाटला उसको स्क्रीन काफी कम मिल रही है। लेकिन दोस्तों, कम स्क्रीन में भी अगर फिल्म में दम हुआ तो हो सकता है कि बाटला हाउस बॉक्स ऑफिस पर बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दे। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें फिल्म के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म टोटल बनकर तैयार हुई है 45 करोड़ रुपए में। वही दोस्तों, फिल्म के प्रमोशन का कॉस्ट है लगभग 15 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों, फिल्म का टोटल बजट हो जाता है 60 करोड़ रुपए। वही अगर बात करें फिल्म के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में, तो दोस्तों फिल्म के सैटेलाइट राइट और डिजिटल राइट बिके हैं 25 करोड़ रुपए में। वही फिल्म के म्यूजिक राइट बिके हैं 10 करोड़ रुपए में। इसी के साथ दोस्तों, 60 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने के पहले ही 35 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली थी। अब अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म की अभी तक, यानी जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, जब तक फिल्म की 14,500 टिकटें बिक चुकी है, यानी कि लगभग 1 करोड़ के आसपास के फिल्म के एडवांस बुकिंग का कलेक्शन हो चुका है। अब अगर दोस्तों बात करें फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दूं, फिल्म को मिलने वाली है लगभग 2500 स्क्रीन, और फिल्म के बज को देखते हुए हिसाब लगाया जा सकता है कि फिल्म पहले दिन मिनिमम 15 से 17 करोड़ की ओपनिंग बड़ी आसानी से ले सकती है। वही अगर बात करें फिल्म के लाइफ टाइम कलेक्शन प्रेडिक्शन की, तो दोस्तों फिल्म को अगर अच्छे रिव्यूज मिलते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो मिनिमम 100 करोड़ से 120 करोड़ तक जा सकता है। वही अगर दोस्तों आप बात करें कि फिल्म हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर कितने में होगी, तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं, अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ से कम का कलेक्शन करती है तो ये फिल्म हो जाएगी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप। वही दोस्तों, इस फिल्म को हिट होने के लिए कमाई करनी होगी मिनिमम 75 करोड़ रुपए, और सुपर हिट होने के लिए फिल्म को कमाना होंगे 100 करोड़ रुपए। वही अगर फिल्म 150 करोड़ कमाती है तो हो जाएगी ब्लॉकबस्टर, और अगर 200 करोड़ कमा लेगी तो हो जाएगी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। तो आप देखते हैं दोस्तों, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होती है, फ्लॉप होती है, सुपर हिट होती है या फिर ब्लॉकबस्टर होती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है जॉन इब्राहिम की फिल्म बाटला हाउस बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का कारोबार कर सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और बाटला हाउस फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए मेरे और आपके इस चैनल एकेबी मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।